आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अग्नि हूँ। और आपके सामने आज मैं बताने वाला हूँ डिप्रेशन, यह समस्या के बारे में, यह बीमारी के बारे में, यह प्रॉब्लम के बारे में। डिप्रेशन को अर्थात निराशा कहते हैं, उदासीनता कहते हैं, दुख कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 20-25% लोगों को आबादी में 20-25% लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है। अब डिप्रेशन की बीमारी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो पागल है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैड हो गया है और वो फतरे फेंक रहा है। डिप्रेशन इसका सादा सिंपल ये मतलब है कि उसको निराशा है, उसको आशा नहीं है, उसको निराशा है। उसका जो इमोशंस है, भावना जो है, वो दुख भरी है, उसको दुख हो रहा है, उसको होपलेसनेस है, निराशा, उदासीनता है, और वो उससे ठीक होना चाहता है। ठीक क्यों होना चाहता है? क्योंकि देखो, निराशा है, डिप्रेशन है, उदासीनता है, तो उत्पादन क्षमता कम होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, कोई काम करने को मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि पड़े रहना है बस, कुछ काम धंधा नहीं करना चाहिए, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हलचल, कहीं बाहर जाओ आओ, कहीं समारंभ में जाओ, कोई उत्सव में जाओ, किसी से मिलो, उसका दिल नहीं करता, ऐसा लगता है कि अकेले रहना चाहिए, और अकेला रह के वो सोचते रहता है, और दिमाग में निगेटिव निगेटिव नकारात्मक नकारात्मक सोच आती रहती है। अपना कोई खरा नहीं, ये ज़िंदगी में क्या पड़ा है, कुछ मतलब ही नहीं है, मैं मर गया तो अच्छा है, ऐसे भी विचार कभी कभी आते रहते हैं। उसकी नींद भी खराब हो जाती है। नींद एक तो जल्दी आती नहीं है, यदि नींद सोए तो घंटा दो घंटे नींद आएंगी नहीं, समझो आती है नींद तो बीच बीच में उखड़ जाएगी, खुल जाएगी, या फिर सुबह जल्दी वो उठ जाएगा। अब दिन भर काम नहीं करता है, बैठे रहता है, तो फिर क्या होता है, छुट्टी लो, बिजनेस में मत जाओ, घर में बैठे रहो, फिर अनाज पछता नहीं है, फिर खाने की इच्छा होती नहीं है, मुंह कड़वा कड़वा लगता है, अकेले अकेले रहना है, और सब ऐसा दिखता है कि सब दुख भरा है, कभी उसको रोने की भी इच्छा होती है। अब ये जो निराशा है, ये निराशा कुछ कारण से हो सकती है, कुछ कारण है। अब कारण कौन से हो सकते हैं कि भाई आर्थिक नुकसान हो गया, पैसे की बर्बादी हो गई, दीवाना निकल गया, तलाक हो गया, पति पत्नी का नहीं पट रहा है, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, या एग्जाम में फेल हो गए, या नौकरी नहीं लगी, या प्रमोशन नहीं मिला, शादी नहीं हो रही है, ऐसा लगता है कि फ्यूचर बहुत ख़राब है, ऐसा लगता है कि अपन ने बहुत गलतियाँ की हुई है, और कुछ सचमुच गलती हुई है, ऐसा कुछ ना कुछ कारण होता है कि जिसके वजह से उसको नर्वसनेस, उदासीनता आती है, डिप्रेशन आता है। फिर उसमें क्या होता है, उसमें सेक्स प्रॉब्लम्स भी आते हैं, नपुंसकत्व आता है, इजैकुलेशन मतलब पतन नहीं होता है, वीर्य पतन नहीं होता है, नपुंसकत्व आता है, लिंग में कठोरता आती नहीं है, तो फिर मियां बीबी के झगड़े हो जाते हैं, और ये ऐसा चालू रहता है, और उसमें सफरिंग है, मतलब तकलीफ है, हर बात में उसको निगेटिव लगता है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो कुछ भी उसको बोलो तो बोलता नहीं, जमेगा नहीं, होगा नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसे ही वो बोलेगा। और फिर यदि काम धंधा नहीं करता है, छुट्टी लेता है, घर पे बैठता है, तो फिर क्या होता है, आमदनी नहीं है, फिर घर में और झगड़े, पैसा नहीं है, फिर आर्थिक नुकसान और हो जाता है। अब ये तो क्लियर कट लक्षण हो गए डिप्रेशन के, मगर कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं कि वो डिप्रेशन बॉडीली सिम्टम में आते हैं। बॉडीली सिम्टम मतलब शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण क्या होता है कि उनको हेडेक होता है, सर दर्द, सिर में बहुत ऐसा जड़पना लगता है, हेवीनेस लगता है, आंखें दर्द करती है, पूरे बदन में दर्द करता है, आंखों में दर्द, हाथों में दर्द, पैर में दर्द, ऐसा बहुत दर्द होते रहता है लोगों को, बहुत ही दर्द है। फिर भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं, सेक्स नहीं, नींद की नहीं इच्छा, नींद आती नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, बैठे रहना है, और पूरे बदन में, पीठ में, कमर में दर्द, पेट में जो है ना दर्द होता है, और अन्नपचन होता नहीं है, तो ऐसे शारीरिक लक्षण होते रहते हैं। उनको ऐसी ऊर्जा ही रहती नहीं है, ऊर्जा नहीं है, मतलब ऐसा जोश नहीं रहता है डिप्रेशन की वजह से, जुनून नहीं है, उत्साह नहीं है, कोई करने की ऐसी हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत ही लूज हो जाता है कि नहीं मैं कर नहीं सकूंगा, एकदम लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, उस वक्त तक ये संभव ही नहीं है। फिर ऐसे इसमें कुछ काम करने जाओ, कुछ काम भी करते हैं समझो, और पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो और फेलियर आ जाता है, फेलियर आ गया फिर और डिप्रेस हो जाता है, मतलब इस तरह का वो एक विशेष साइकिल डिप्रेशन का तैयार हो। अभी जो डिप्रेशन कुछ कारणवश है, वातावरण में कुछ हो गया, कुछ इवेंट
हो गया, सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसके वजह से डिप्रेशन है, तो उसको बोलते रिएक्टिव डिप्रेशन। और कुछ कारण नहीं है तभी भी डिप्रेशन आ सकता है, जो केमिकल लोचे से होता है, केमिकल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोरफिन्स जो है, नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो हार्मोन्स है ब्रेन में, वो उसकी कमी हो जाती है और उसके वजह से भी डिप्रेशन। अभी वो डिप्रेशन भी ऐसे रहता है, मतलब वो डिप्रेशन ज़्यादा सीवियर रहता है। अभी डिप्रेशन में होता क्या है कि उसको कहीं आने जाने की इच्छा नहीं, बाहर जाने की इच्छा नहीं, काम करने में जोश नहीं। ऐसे कितने सारे लोग मुझे मिले हैं कि साल साल दो दो साल वो पीड़ित है, कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, उनको उत्साह नहीं काम करने में, दर्द है, थकान है, उनको आप हम दवा देते हैं एकदम अच्छे हो जाते। बोले मेरे दो साल तो फालतू चले गए, फालतू गए दो साल, ऐसा उनको लगता है। उन्होंने दवाई नहीं लिया, उनको मालूम नहीं कि डिप्रेशन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ बॉडी लक्षण है, सिर्फ शारीरिक लक्षण है, मानसिक कोई लक्षण ही नहीं है, तो लोग शारीरिक लक्षण की दवा लेते हैं। पीठ दर्द करता है, पीठ दर्द की दवा लो, हाथों पैर में दर्द है तो उसकी दवा लो, पेट में दर्द है तो उसकी दवा लो, एक्चुअली वो रहता है डिप्रेशन। तो ऐसे जब हमारे पास में पेशेंट आते हैं तो उनको हम पूछते हैं कि भाई आपको मैनिया हुआ था क्या? तो मैनिया मतलब क्या है कि उन्माद और हर्ष भाई। तो कभी कभी डिप्रेशन क्या होता है कि वो साइकिल में आता है, एक बार डिप्रेशन है, एक बार मैनिया हर्षवायु है, फिर डिप्रेशन है, फिर हर्षवायु है, या फिर डिप्रेशन डिप्रेशन ऐसा आता है, फिर हर्षवायु आ जाएंगे। तो डिप्रेशन ये जो है ये ऐसे अटैक में आ सकता है और हर अटैक 6 से 9 महीने तक रह सकता है, 9 महीने बाद में पेशेंट अच्छा हो जाता है। अब ऐसे कितने सारे डिप्रेस लोग हैं, नर्वस है, उदास है, कोई काम करने की इच्छा नहीं, वो चल रहे हैं, खींच रहे हैं, उनकी लाइफ चल रही है, मगर उनको कोई दवाई मिली नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि ये डिप्रेशन है, उसके लिए मनोरुग्ण करके मनोरुग्ण तज्ञ के पास में जाना चाहिए और उनके पास से इलाज करना चाहिए, उनको मालूम ही नहीं, और फिर प्रॉब्लम आते रहता है। अभी ये क्या, खाना पीना कम है, फिर विटामिन डिफिशियंसी होती है, फिर B12 डिफिशियंसी है, D3 विटामिन डी डिफिशियंसी है, फिर उसके लक्षण और चालू हो जाते हैं। डिप्रेशन जिसको है उसको बाकी भी बीमारियाँ जल्दी होती है, जैसा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अटैक भी आ जाता है। कभी कभी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, सीरियस है, तो वो खुदकुशी भी करने की कोशिश करता है, कभी कभी खुदकुशी भी कर लेता है। तो फिर डिप्रेशन जो है वो आम आदमी को होता है, आम आदमी को हो सकता है, और उसकी ट्रीटमेंट लिया तो वो अच्छा हो सकता है। अब ये ट्रीटमेंट के, इसकी ट्रीटमेंट होने के लिए हमने कुछ ऐसे आपके लिए ट्रीटमेंट उपचार ऐसे बनाए हुए हैं, मतलब उपचार ऐसा एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि वो आप लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, और वो हम आपको अभी देने वाले हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।